नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज, मैं हूं अंकुर पांडे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में एंट्री कर चुकी है। राजस्थान के झालावाड़ पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ राहुल गांधी खूब थिरकते नजर आए। देखिए ये रिपोर्ट। गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। राजस्थान में इस यात्रा के प्रवेश करने पर कांग्रेसियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। राजस्थान के झालावाड़ पहुंचने पर भारत जोड़ो यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राहुल गांधी को देखने और यात्रा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर आयोजित आदिवासी नृत्य कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के बीच दूरियां मिटती हुई नजर आई, तो वहीं अजब केमिस्ट्री भी देखने को मिली। यहां राजस्थान के दो दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल के साथ खूब डांस भी किया। राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ हाथ पकड़कर डांस करते हुए नजर आए। आदिवासियों के साथ कमलनाथ भी थिरकते दिखाई दिए, जिसके बाद राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल होने की बात कही जा रही है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि गहलोत डांस करके खड़े हो जाते हैं तो पायलट गहलोत का हाथ पकड़कर डांस करना शुरू कर देते हैं। बता दें, राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में एंट्री से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गया था। एंट्री पॉइंट पर राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट की तस्वीरें नजर आ रही थी। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा गद्दार बताने पर राजस्थान कांग्रेस में तूफान खड़ा हो गया था। दोनों खेमों की तरफ से मोर्चे संभाल लिए गए थे, लेकिन बयानबाजी को देखकर विपक्षी बीजेपी ने सरकार गिरने तक की आशंका जता दी थी, लेकिन इन तस्वीरों ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। राजस्थान में कांग्रेस की ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ अपार जन समर्थन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं 9 दिसंबर को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन भी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी कोटा आ सकती हैं और कोटा में उनका जन्मदिन मनाया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये केमिस्ट्री सिर्फ राहुल के आने पर दिखी या आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी तरह एकजुटता का संदेश दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।